नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। लूट के बाद वृद्धा की हत्या की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। लालच में आकर अपने दोस्त के घर में लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 1.5 लाख की नकदी जेवरात लूटकर पहचाने जाने पर की थी वृद्धा की हत्या। पकड़े जाने के डर से गोरहा नहर में फेंक दिए लूट के जेवरात। एसपी ने घटना के खुलासे के लिए किया था 5 टीमों का गठन। 72 घंटे के अंदर पुलिस की टीमों ने किया घटना का खुलासा। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगागढ़ में हुई थी हत्या। सर प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कुछ प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा? देखिए 30 मार्च को गंगागढ़ जो क्षेत्र पड़ता है थाना क्षेत्र सोरो में, वहां पे कमला देवी जो कि एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी, उसकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना न बड़े ही सलीके से किया गया, वहां पे डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भी न भेजा गया था। पूरे सारे साक्ष्य और एविडेंसेस फिंगरप्रिंट इत्यादि कलेक्शन न करने के बाद ये ज्ञात न हुआ कि एक इन्हीं के न घर का जो लड़का है जितेंद्र, उसका दोस्त बबलू पराशर इसमें इन्वॉल्व है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार न किया। गिरफ्तार करने के बाद उसने अपना जुर्म जो है वो इकबाल उसने किया। साथ ही में उसने ये बताया कि घर के पीछे की तरफ से टेरेस के थ्रू ये व्यक्ति जो है घर में चढ़ गया था। उसको ये ज्ञात न हुआ था कि उसका जो मित्र है जितेंद्र और उसका जो भाई वीरेश है वो दोनों ही घर पे नहीं है। वो दोनों उनमें से एक भाई जो है वो जो उस घर में रहता था वो दिल्ली गया था अपनी पत्नी को पिकअप करने के लिए, जो कि होली के लिए अपने मायके गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए बुजुर्ग महिला को घर में अकेला पाते हुए लूट की घटना को कारित करने के उद्देश्य से ये व्यक्ति जो है वो अंदर चढ़ा था। उसने कुछ जेवरात लगभग जिसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए थी उसको इसने वहां से लूट लिया था। साथ ही में महिला की पत्थर मार के सिर में हत्या न कर दी थी। पूछताछ न करने पर ये ज्ञात न हुआ कि इस व्यक्ति ने, जैसे इसको पता चला कि पुलिस इसके पीछे न पड़ी हुई है, 2 दिन से इसको शक था और उसने जो जेवर है वो उसने पानी में गोरा नहर में फेंकवा दिए थे। गोताखोर लगा के हम लोगों ने सर्च भी वहां पे कंडक्ट न करवाया पर जेवर मिल नहीं पाए। खून से सने हुए इसके कपड़े जो है वो हम लोगों को उसी के बगल में खेत से न प्राप्त जो है वो हुए हैं। उसी के आधार पे, बाकी एविडेंसेस के आधार पे, फिंगरप्रिंट्स के आधार पे, CDR का लोकेशन इत्यादि के आधार पे इसको न जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी कोई भी व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है, अकेला यह व्यक्ति इन्वॉल्व है। और पूर्व में भी एक घर में इसी तरीके की टेरेस से चढ़ के जाने की जो घटना उसी के गांव में इसी व्यक्ति ने कारित की हुई है, ये बात हम लोगों को बाद में संज्ञान में भी आई थी। तो इसी तरीके का इसका इतिहास जो है वो रहा। बिल्कुल उसी जो महिला है उन्हीं के घर के बगल में रहते हैं। सारी चीजें इन लोगों को आपस में पता होती है किसके घर में क्या रखा है, क्योंकि ये व्यक्ति जो था जितेंद्र उसकी अभी अभी शादी हुई थी और शादी में कुछ जेवरात भी प्राप्त हुए थे। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।